परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ सातवां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितां धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मात एवेति तान् वेद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी
मम माया दुरस्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृति नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भवमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन अथो जिज्ञासुरथाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने दैत्ययोक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गते बहूनां जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Da da da.
राम सरधे स्वामी जी श्री रामसा जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 प्रातः 5 बजे ढाले गांव राम देखो भोजन करेंगे बार बार क्या भोजन करते हो, जल पिएंगे बार बार क्या जल पीते हो, जैसे बार बार भोजन करने जरूरत है जल पीने की जरूरत है ऐसे ही बार बार समझे कि परमात्मा है, इन बात में बैठा लो भीतर में जमा लो है परमात्मा है, ये अगर हर समय याद रहे तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ये परमात्मा सब में बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ये ध्यान सूम है, केवल इस तरफ दृष्टि डालने दृष्टि बांधने मात्र है परमात्मा। पहले मान्यता होती है फिर अनुभव होता है, पहले मान्यता होती सब है फिर उसका अनुभव हो जाता है साथ साथ हो जाता है सब जगह है, सब जगह होकर फिर जगह सब चीजें सभी परमात्मा वासुदेव सर्वम, फिर अनुभव हो जाता है सभी वासुदेव ही है, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, उसमें बिना कोई चीज हो सकते नहीं, क्योंकि भगवान आदि में एक थे, वही कहते एक ओम बहु श्याम प्रजाई हो एक रूप से एक अधिक रूप से हो, भगवान ने कहीं से कोई सामान नहीं मंगाया, कोई सामग्री इकट्ठी नहीं की, एक ही बहुत रूप से हो गए, एक ही वही स्वयं ही अनेक रूप से हो गए, तो अनेक रूप से होने पर भी वही थोड़े वही तो रहे, वो मिट थोड़े वही हो गए वही है, सभी सब परिपूर्ण रूप से वही है परमात्मा ही सब में है, तो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब उस परमात्मा ही है, हरदम दिए शब्द परमात्मा 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 वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा स्वरूप, ये आया है कि जिस महात्मा की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब ये बात सुनी और अपने विचार किया तो हम सबके सब दुर्लभ महात्मा बन सकते हैं, सब परमात्मा ही है यही तो जानना है, ये सब वो ख्याल रखता है बस, वो ख्याल रखते ही फिर ये अनुभव हो जाता है। सोचो ऊंचे सोचे महात्मा वो हो जाएंगे सब सब गए कभी, क्यों परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं कुछ है नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं, यश स्मरण मात्र वचन संसार बंधना विमुचते, जिसमें स्मरण मात्र करने से इस जन्म रूपे बंधन मिट जाए सब बंधन मिट जाता है, समस्त स्नेह विष्णु में प्रवेश हो प्रसाद भविष्णु वास भगवान ही है, सोने का कहना हो तो किसके पीछे भेजे किसके पीछे भेजे, लोहे का अनुसार किसके पीछे क्या भेजे
वो बर्फ ही बर्फ सब है तो बर्फ के पीछे बर्फ भेजेगा छिपा किसी मुझे बर्फ ही है सब जल भी जाएगा। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। ये पृथ्वी तो है अनेक रूप से, मकान रूप से, मनुष्य रूप से, वृक्षों रूप से, जू से, सब पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी बड़ी हुई है अनेक रूप से। एक ही पृथ्वी ये कपड़े रंगने करे बड़े हिस्सा से एक सूती है, एक पृथ्वी ही अरे है, एक जल है बल भी बढ़ जाए, भाप भी बढ़ जाए, बदल भी बढ़ जाए, बूंदे भी बढ़ जाए, नदी भी बढ़ जाए, समुद्र भी बढ़ जाए, जो एक समुद्र अनेक रूप से दी है, बदल रूप से वही है, भाव रूप से वही है, और याद ही करें रूप रूप कोई नहीं था तो भी कोई है जल रूप से है। तो परमात्मा नहीं दिखे ऐसे भी मनुष्य है, राम जी को मनुष्य है वही एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। जैसे एक ही पृथ्वी अनेक रूप से, शरीरों के रूप से, कपड़ों के रूप से, मकानों के रूप से, रस्ते के रूप से, शरीर बने हुए कई कई पत्थर बने हुए हैं, कई पहाड़ बने हुए हैं, कई जंगल बना हुआ है, कई वृक्ष बने हुए हैं, कई खेती बनी हुई है वो एक एक ही परमात्मा अनेक रूप से। अनेक बने हुए अनेक अनेक लगा देंगे एक विचार सही हो जाए। अनेक रूप रूप आए विष्णु शब्द परमात्मा है भाई वो समान रीति है। सब में एक परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा बर्फ रूप से मोहित है, नदी रूप से मोहित है, समुद्र रूप से मोहित है, भाव रूप से मोहित है, भद्र रूप से मोहित है, रूप से कोई जल है, वर्ष रूप से कोई जल है, वो एक जल अनेक रूप है, अनेक रूप है, ऐसा जल है। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप है। वासुदेव सर्व सब कुछ परमात्मा है। सोना ही अनेक गणों के रूप से बना है, लोहा ही अनेक असत रूप से बना है, मिट्टी एक हाथ अलग बर्तन है, घड़ाल मटके सीवार ढकन बहिरंतर से भूतानाम असरम चरित संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, वे रूप से ही वही है,
दूर से दूर हुई है, नजीक से नजीक हुई है, बीच में हुई है, चल अचल में हुई है, आदि अंत मध्य हुई है, सूक्ष्मत्वादक विज्ञेयम् अत्यंत सूक्ष्म है, इसमें से जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है, मान लगे नहीं, मानने के बाद भी जान लेता है, निर्गुण परमात्मा को जानने के बाद मान लेते हैं और पार्श्वदेव फल में पहले मान लेंगे, मानने के बाद जान लेते हैं, जान करे मान लो, चाहे मान लो जान लो, पता तो एक ही है। आनंदमय 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 पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, आनंद आनंद, हे आनंदमय हो अभ्यास, ये बार बार कहा है वो आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद रूप सत रूप से है। सत्ता सत्ता है गुणपन गुणपन से परमात्मा परमात्मा पृथ्वी के और आकाश के बीच में सब जगह हुई है, दिशा में सजी हुई है, सब व्याप्त समाहित है, उसी की सत्ता है, अनेक रूप से होता है, एक रूप से हो जाता है, वर्षा कई रूप से हो जाती है, बस एक रूप हो जाती है, है में दो रूप है, एक दो है रूप से रहता है, एक परिवर्तन होता है, परिवर्तन रूप से भी होता है, एक रूप से भी होता है, एक में अनेक, एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष के कई पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता अलग अलग है, एक पत्ते से एक पत्ता भिन्नता नहीं है, दिखे एक बराबर, परंतु उसमें जानवर जब खा जाते हैं तो जाड़ी सी हुई जाड़ी,
और जाली के तंतु में जो अलग अलग होते हैं, एक एक पत्ता अलग 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 अलग, कितने कारीगरी विलक्षण है। एक वृक्ष है अनेक लाखों करोड़ों, एक इमली के कितने फल होते, कितने कितने पत्ते होते, बड़ा वृक्ष होता है, पत्ते छोटे छोटे पत्ते, सब पत्ते अलग अलग, एक ढंग जीते हुए अनेक ढंग, अनेक होते हुए भी एक वृक्ष, एक वृक्ष होते अनेक, ऐसे एक दुनिया सब एक एक, एक अनेक भेद है, अनेक तरह से अनेक तरह से सब रूप से परमात्मा है, सब रूप जन्म रूप जल जल थल जल नव जल पशु पक्षी तरह तरह के तरह तरह के, देखने में अंत नहीं आता, नए नए पशु देव हो पक्षी देव हो छोटे छोटे बारीक देव हो तो कई तरह के परमात्मा है। सब में वो एक ही है, एक परमात्मा एक वृक्ष में अनेक पत्ते अनेक पत्तों अनेक तरह और ऐसे अनेक वृक्ष अनेक जाति भी अनेक अनेक अनेकों में एक अनेक एक मिट्टी लेके जाए मिट्टी एक मिट्टी है ही एक मिट्टी अनेक नहीं बनेंगे ये सब जितने से भी दिखते है एक पृथ्वी बनेगी एक पृथ्वी कपड़े रूप से शरीर रूप से पदार्थ रूप से मकान रूप से वृक्षों रूप से लकड़ी रूप से लोहा रूप से कहीं जल कहीं पत्थर कहीं चिन्नार कहीं गिर कहीं कुछ मूल धातु एक है उसे बना लो कहते हैं जैसे आलू है आलू कई चीजें बन जाती है चना है चना कई चीजें बन जाती है सब ये है चना ही अनेक चीजें बन जाती है तरह तरह की एक ही चीज अनेक रूप से अनेक रूप से भी एक ही चीज अनेक रूप से भी एक मगर शुरू किया एक ओम ओम श्याम एक में बहुत रूप हो गया हूँ जैसे मनुष्य को सपना आता है वो सपने वाला मनुष्य कहता है मेरे को सपना आया उस मेरे में कई आदमी देख लिए मिल लिया आदमी बातें हुई आप भी थे आपके साथ बात हुई
जाकर आप पूछे गए तो आपसे बात हुई, बिल्कुल मिली नहीं हमें, तो आप खुद ही बन गए उसमें शब्द में। जैसे बातें की उन्हें पूछो वो कहते हम मिले ही नहीं, रात में विलक्षण बातें हुई, विलक्षण और प्रत्यक्ष बातें हुई। ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप है वही परमात्मा ने विष्णु से संसार रूप है, मकानों के रूप से, वृक्षों के रूप से, पहाड़ों के रूप से, नदियों के रूप से, किस रूप से देखे अनंत अनंत एक ही परमात्मा अनेक रूप है। एक पृथ्वी के अनेक रूप है, जितने पहाड़ है, जितने पत्थर है, जितने वृक्ष है, जितने लकड़ी है, इतनी विद्या है, सब उम्र खबर कर दू तो अंत नहीं आएगा। परमात्मा का पूजन करके यहीं भगवान को पुष्प चढ़ा दो, यहीं दीपक दिखा दो, यहीं आरती कर दो, यहीं भोग लगा दो, यहीं सलाम भूज दा दो, सब यही शाही में सब तरह की भाषा लिखी हुई है, अंग्रेजी दो, हिंदी दो, फारसी दो, उर्दू दो, कलम ले रहे बैठो कौन सी भाषा सुन रही है। दूर से दूर हुई, नजीक नजीक हुई, भीष्म नारायण 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 नारायण।